जरूरत पड़ जाए, हालात ऐसे हो जाए, उस वक्त अल्लाह इम्तिहान लेता है कि अब ये क्या करता है। मेरे पास मालो दौलत की फरावानी है, खजाने भरे हुए, और मेरे पूरे महल्ले का बिल उनकी इस्तेताअत से ज्यादा आ गया। वो बेचारे बिल दें या बच्चों का दूध खरीदें। अब इम्तिहान आया था सेठ साहब का, अब इम्तिहान आया था अमीर शहर का, अब इम्तिहान आया था इस दौलतमंद का। इमाम शाफी फरमाते हैं, नक्स अमवाल का मफहूम ये है, अल्लाह अब परखता है कि अब ये तजोरियां खोलता है या अब ये मौके से फायदा हासिल करके मजीद दौलत इकट्ठी करता है। जब दौलत ऊपर से भी आ रही हो और बंदा आगे भी खर्च कर रहा हो, वो इम्तिहान नहीं होता, इसलिए कि ऊपर से भी आ रही होती है और बंदा आगे से भी खर्च कर रहा हो। जब दरवाजे ऊपर से बंद हो जाएं, हालात इस तरह के हो जाएं, अब अगर वो खर्च करेगा तो अब नक से अमवाल का अंदेशा है। तो कहा ये था इम्तिहान, अल्लाह देखता है कि इस इम्तिहान में कौन पूरा निकलता है। ये अल्लाह आजमाता है, इस वक्त आजमाइश है अमीरों की, गरीबों की तो है ही है। गरीब तो बेचारे मर गए हैं, उनके पास ही कुछ नहीं रहा, उनकी तो जिंदगी जहरनाक हो गई है, वो तो जिस हालत में है अल्लाह बिल्ला। लेकिन उससे बड़ा इम्तिहान उमरा का है, अहले सरफत का है। ये है इब्तला जो इमाम शाफी फरमाते हैं। फरमाया इस मौके पर नफली खैरात करके वो अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को, गली मोहल्ले के लोगों को, अब क्या वो मदद करके उनको मुश्किल से निकाल सकते हैं? और अब वो निकालेंगे तो उन्हें खुद भी डर है कि हम भी कमजोर हो जाएंगे, हम भी इनकी लाइन में खड़े हो जाएंगे। अल्लाह फरमाता है यही तो हमने तुमसे इम्तिहान लेना था, और अगर तुम इम्तिहान दे देते, कामयाब हो जाते, तुम्हें उस लाइन में ना आने देते, उनको भी उठा के अल्लाह ऊपर कर देता।